अरे ओ बहू रानी, मैं जा रहा हूँ बाजार, अगर कुछ चाहिए तो बता देना, लेते आऊंगा। हाँ पिताजी, जाना तो मेरे लिए एक स्वेटर लेना, ठंड बहुत पड़ चुकी है। हेलो दोस्तों, अभी आपने जिस प्रकार से कार्टून वीडियो देखा इस तरह से आपको एडिट करके दिखाने वाला हूँ मोबाइल से। दोस्तों आपको करेक्टर कहाँ से लेना है ये भी मैं बताने वाला हूँ, बैकग्राउंड कहाँ से लेना है ये भी मैं बताऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों आप लोग जो भी अगर करेक्टर चाहिए, सभी के सभी एडिटिंग एनिमेशन जो भी आपको करना है वो मैं सभी के सभी ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ। वीडियो को देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं दोस्तों मोबाइल के स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, और यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको दो एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले एक एप्लीकेशन यहाँ पे आप लोग को इमेज सर्च मैन है, और दूसरा यहाँ पे काइन मास्टर है। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को इमेज सर्च मैन यहाँ पे आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ये क्या करना है, आपको यहाँ पे सबसे पहले बैकग्राउंड आपको सर्च करना है। दोस्तों यहाँ पे मैं बैकग्राउंड सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग कार्टून इमेज इस तरह से आप लोग सर्च कर सकते हो, कोई भी यहाँ पे कार्टून यहाँ पे बैकग्राउंड यहाँ पे आप लोग सर्च कर सकते हो, ठीक है इस तरह से। दोस्तों यहाँ पे जो अब आप कार्टून यहाँ पे जो भी करेक्टर यहाँ पे लेना चाहते हो यहाँ पे आपको मिल जाता है, फ्री में आप लोग यूज कर सकते हो। यहाँ से आप लोग यहाँ से कोई भी यहाँ पे बैकग्राउंड ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों मैंने डाउनलोड किया था उसको, मैं यहाँ पे अभी आपको दिखाता हूँ कुछ यहाँ पे आपको लेना है। और दोस्तों यहाँ पे आपको लेने के बाद यहाँ पे इस तरह से आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बैक आ जाना है। आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको काइन मास्टर ओपन करना है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा जो काइन मास्टर यहाँ पे ओपन हो चुका है, उसके बाद दोस्तों हम करेंगे क्या, सबसे पहले दोस्तों मैं जो बैकग्राउंड यहाँ पे एड करूँगा वहाँ पे मैं ले लेता हूँ, मैंने डाउनलोड किया इस प्रकार से यहाँ पे एड कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे जो मैं बैकग्राउंड यहाँ पे पहले से डाउनलोड किया था उसको यहाँ पे हम एड करेंगे, यहाँ पे जो पोस्टर मैंने रखा है उसको यहाँ पे एड कर लेता हूँ, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे मैं स्क्रॉल करूँगा इस तरह से, और यहाँ पे हमको उस कलर का यहाँ पे बैकग्राउंड लेना है जो मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप गैलरी से आप लोग ले लीजिएगा। दोस्तों मैं यहाँ पे ये वाला अपना इमेज रख लेता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग वीडियो को स्किप कर देते हैं तभी आप समझ में नहीं आता है आप लोगों को क्या करना है, कैसे एडिट करना है दोस्तों, कैसे करेक्टर एड करना है, कैसे आपको बैकग्राउंड बनाना है। दोस्तों आप लोग बाद में कमेंट करके पूछने लगते हो दोस्तों कि कहाँ से करेक्टर लेना है कहाँ से। दोस्तों मैंने पहले वाले जो वीडियो बनाया हुआ है आप लोग जा करके देख लीजिए, अगर नहीं देखे हैं तो उस पर आप लोग को मिल जाएगा करेक्टर कहाँ से लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप लोग को लेयर में आना है, मीडिया में आना है। आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग को कुछ इस तरह से यहाँ पे आप लोग को एक घर का बैकग्राउंड ऐड करना है। इसके लिए दोस्तों यहाँ पे मैंने पहले से ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। इस तरह से आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक घर का बैकग्राउंड यहाँ पर बना के रखा हुआ है, इस तरह से ले लेना है, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है, इसकी लेयर को हम बढ़ा लेंगे जितना हमें चाहिए। अब यहाँ पर आपको इतना रख लेना है, बाकी यहाँ पर क्या करेंगे, आपको इसे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इसे जूम करके यहाँ पे साइड में यहाँ पे रख देना है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से आपको रख लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पे आपको लेयर में आना है और मीडिया में आना है। आने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, हम उस करेक्टर को ऐड करेंगे। इससे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैंने जो ग्रीन बैकग्राउंड यहाँ पे बनाया है, अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, मिल जाएगा फ्री में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, उस हम करेक्टर को ऐड करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैंने बनाया था उस करेक्टर को यहाँ पे ले लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मेरा एक आइडल वाला जो करेक्टर रहेगा यहाँ पे उसको यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो ये वाला रहेगा, इसको यहाँ पे हम रख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, आप लोग को इसे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको आ जाना है क्रॉपिंग पे। क्रॉपिंग पे क्लिक करके इस तरह से आप लोग को क्रॉप कर लेना है वीडियो को, ठीक है। आपको वीडियो को क्लिक यहाँ पे क्रॉप करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको इसके बैकग्राउंड को रिमूव कर देना है। यहाँ पे हम स्क्रॉल करेंगे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे, फिर यहाँ पे आपको एक क्रोमा का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे आपको इनेबल कर देना है। फिर यहाँ पे हम इसको एडजस्ट करेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। दोस्तों मैंने इस वीडियो का करेक्टर, ये आपको जो दुल्हन वाला जो करेक्टर दिख रहा है यहाँ पे, मैंने बनाकर रख दिया है वीडियो में, आप लोग जाकर देख सकते हैं जो आपने नहीं देखा तो। इस तरह से आपको एड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे अभी यहाँ पर मैं इसको सेट कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि यहाँ पर मैं वीडियो के हिसाब से यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर सेट करने के बाद यहाँ पर करेंगे क्या, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आप लोग को फिर से यहाँ पर हम लेयर में आएंगे, मीडिया में आएंगे। आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, दूसरा करेक्टर यहाँ पे ऐड करना है, तो यहाँ पे हम उसको भी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को दूसरा करेक्टर इसका जो है यहाँ से यहाँ तक रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो ये वाला हमारा जो दूसरा करेक्टर यहाँ पर बोलने वाला है, तो इसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम क्रॉप करेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, आप लोग को स्क्रॉल करना है इस तरह से, क्रॉपिंग पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको इसका जो चुड़ैल वाला है इसको हम कट कर देंगे, और यहाँ पे आपको इस तरह से इसको भी क्रॉप कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, इसकी भी बैकग्राउंड को रिमूव कर देंगे। यहाँ पे आपको क्रोमा के पे क्लिक करना है, इनेबल कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह से हमारा हो जाएगा,
इसको सेट करना है हमको एक ही जगह पे, इस तरह से खींच के लाएंगे इसको और यहाँ पे जूम कर देना है। ठीक है, यहाँ पे लाओ को सेट कर दीजिए। सेट करने के बाद यहाँ पे करेंगे क्या, ये वाला जो इमेज है इसको हम लेयर को बढ़ा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ तक रखेंगे, बाकी यहाँ पे क्या करना है आपको, इंस्टाभा को कट कर देना है इस वाले, इसे क्लिक करेंगे, कैंची पे क्लिक करके ड्रीम राइट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर वाले को भी क्लिक करेंगे, कैंची पे क्लिक करेंगे, ड्रीम राइट कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आपको इस वाले इमेज को क्लिक करके यहाँ तक आपको रख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम फर्स्ट पे आएंगे, फर्स्ट पे आने के बाद लेयर में आएंगे और इस मीडिया में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे दूसरा हम करेक्टर एड करेंगे जो यहाँ पे बनाया हुआ था। अब यहाँ पे आ जाना है, आने के बाद दोस्तों यहाँ पे ये वाला करेक्टर एड करेंगे, फर्स्ट वाला। ठीक है, अब इसको क्या करना है आपको, यहाँ तक रखना है, यहाँ तक रखेंगे, बाकी यहाँ पे क्या करेंगे, इंस्टाभा को कट करके हम निकाल देंगे। तो कैंची पे क्लिक करेंगे, ट्रिम राइट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी भी बैकग्राउंड को हम रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसे क्लिक करके यहाँ पे आपको आना है, यहाँ पे आने के बाद क्रोमा कैप पे क्लिक करना है, एनेबल कर देना है। ठीक है, अब इस तरह से आप लोग एडजस्ट करके यहाँ पे आप लोग इसे सेट करके यहाँ पे रख लीजिए, यहाँ पे साइड में यहाँ तक। अब दोस्तों यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा हल्का से यहाँ पे चटकार करेंगे, फिर यहाँ पे हम आगे आएंगे स्क्रॉल करके, ताकि यहाँ पे से दूसरा जो करेक्टर है यहाँ पे एड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आप लोग कुछ इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो करेक्टर है यहाँ पे एड हो चुका है। अब यहाँ पे दूसरा करेक्टर एड करेंगे, तो लेयर में आएंगे और मीडिया में आएंगे। आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको फिर से एक वीडियो एड कर लेना है जो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, तो उसको लेना, अगर आपको चाहिए तो कमेंट कीजिए, मिल जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे आपको आइडल वाला रख लेना है। दोस्तों मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है करेक्टर, कैसे बनाया दोस्तों, आप लोग अलग से करेक्टर को अपना खुद करेक्टर एडिट कर सकते हो मोबाइल से। फिर यहाँ पे हम करेंगे क्या, कैंची पे क्लिक करेंगे, ट्रिम राइट कर देंगे। ठीक है, अब इसको करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पे स्क्रॉल करके इधर आएंगे, आने के बाद इसको हम क्या करेंगे, वीडियो को क्लिक करके स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रोमा के पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे इनेबल कर देना है, उसके बाद यहाँ पे हम इसे एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे बराबर पे आना है, आने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो दूसरा करेक्टर है यहाँ पे इसके ऊपर हमको सेट करना है, इसको इस तरह से आपको लेना है, लेने के बाद यहाँ पे क्या करना है, जूम करके और यहाँ पे इस तरह से आपको ला करके यहाँ पे सेट कर देना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा यहाँ पे हमारा जो करेक्टर है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है आपको, म्यूजिक डाल लेना है। दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, आएंगे ऑडियो पे, आने के बाद कोई सी यहाँ पे म्यूजिक आप ले लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई भी यहाँ पे लेके दिखा देता हूँ। यहाँ पे इस तरह से आप लोग म्यूजिक कोई भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इसकी वॉल्यूम को यहाँ पे मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों अगर मैं वीडियो को प्ले करता हूँ तो मेरे वीडियो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे चलेगा, देख सकते हैं। अब दोस्तों इसके लिए अब क्या करना है, यहाँ पे आप लोग को और यहाँ पे वॉइस ओवर करना है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी यहाँ पे अगर वॉइस ओवर करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा करेक्टर आप चुप हुए यहाँ पे और दूसरा करेक्टर बोल रहा है। ठीक है, इस तरह से अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं करेक्टर को यहाँ पे बुलवा रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जैसे यहाँ पे बोलना है कोई भी करेक्टर यहाँ पे, तो यहाँ पे बोल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप लोग को बोलना है, देख सकते हैं यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू है यहाँ पे। तो इस तरह से आपका रिकॉर्डिंग स्क्रीन चालू कर लेना है और इस तरह से यहाँ पे आप लोग को वॉइस ओवर कर लेना है। दोस्तों बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है दोस्तों, कोई भी यहाँ पे कंपटीशन नहीं है कार्टून में। ठीक है, यहाँ पे कार्टून वीडियो बना करके आप लोग चैनल पर डाल सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों को अगर एडिटिंग सीखना है तो वीडियो पूरा फुल इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।